हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पिंडोरा। सो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सीरीज में हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करवाया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? ए बी सी, हमें तीन मैट्रिक्स दी हुई है ए बी एंड सी नेम की, और हमें बोला है देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तो हमें बोला है ए प्लस बी की वैल्यू निकालो और बी माइनस सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, हमें आगे बोला है ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी इज इक्वल टू में ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी को, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। सो यहाँ लिखेंगे हम ए मैट्रिक्स को 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। हमें प्लस करना है इसे बी मैट्रिक्स से, जो कि है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। देखो, अगर आपको एडिशन नहीं आता तो मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ। देखो, एडिशन करने से पहले हमेशा दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। इसका ऑर्डर भी क्या है? 3 × 3। दोनों मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? सेम है, तो इट मीन्स एडिशन पॉसिबल है। और जो ऐड करके मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी? 3 × 3 की। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर के एलिमेंट्स। इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे आते हैं? हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहली मैट्रिक्स पे जो एलिमेंट लिखा है और सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे जो एलिमेंट लिखा है, वो हमारे क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे? हम पहले जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट पे। अब सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है? 3। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 में 3 प्लस किया 4, और यहाँ लिख देंगे। अब इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे। हम जाएंगे अपनी पहली मैट्रिक्स पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है? -1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -1। अब नेक्स्ट एलिमेंट भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। पहली मैट्रिक्स पे लिखा हुआ है -3, सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है? 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे -3 प्लस 2। देखो, हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने हॉचपॉच करा है इसको रब कर देती हूँ। अब देखो, आपको आइडिया आ गया है हम ऐड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे। हम जाएंगे नेक्स्ट रो में, यहाँ लिखा है 5 5 में ऐड करेंगे 4, तो 5 प्लस 4 9, यहाँ लिख दिया 9। अब नेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ लिखा हुआ है 0, दूसरी मैट्रिक्स पे लिखा हुआ है 2 0 प्लस 2 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 5, तो 2 प्लस 5 7। तो हमारे सेकंड रो के एलिमेंट्स भी आ गए। अब थर्ड रो की तरफ बढ़ेंगे, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? 1, और दूसरी मैट्रिक्स में 2, तो 1 में 2 प्लस किया 3, यहाँ आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, -1 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा? -1। अब लास्ट एलिमेंट बचा हमारा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 और दूसरी मैट्रिक्स पे 3, तो 1 में 3 प्लस किया 4। अब देखो, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम अपने एलिमेंट्स लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ जो एलिमेंट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ आ गया 1। बाकी एलिमेंट्स हम लिख देते हैं,
अब देखो इस एलिमेंट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, सो 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 3, और 3 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब बाकी एलिमेंट्स हम लिख देंगे सेम। अब देखो हमने ए प्लस बी निकाल दिया है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, बी माइनस सी, तो यहाँ लिखेंगे हम बी माइनस सी, तो यहाँ लिख देंगे बी मैट्रिक्स। माइनस का साइन और यहाँ लिख देंगे सी मैट्रिक्स। अगर आपको मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है तो इस पे भी मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, और ऑफ कोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे भी मैं आपको सिखा दूंगी। सेम वैसे ही करेंगे इसको जैसे हमने एडिशन किया है, बस एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें देखना है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या सेम है, हाँ सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 3, ठीक है। तो हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3 × 3 का, ठीक है। अब देखो उसके एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, हम क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आएगा, हम जाएंगे अपनी पहली मैट्रिक्स की तरफ, यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है पहला 3, अब सेम प्लेस में दूसरी मैट्रिक्स में क्या लिखा है 4, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे, आ जाएगा 3 − 4। अब देखो सेकंड एलिमेंट भी ऐसे ही निकलेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है −1, दूसरी मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है सेम प्लेस पे 1, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, −1 − 1। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट भी सेम प्रोसीजर के साथ निकलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 − 2 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। तो हमारी फर्स्ट रो आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट रो निकालेंगे, नेक्स्ट रो निकालने से पहले ये हॉटस्पॉट जो किया है मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो नेक्स्ट रो निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 4, 4 को माइनस करेंगे 0 से, तो क्या आएगा 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखा है 2, 2 में माइनस करेंगे 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 − 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है 5, दूसरी मैट्रिक्स पे लिखा है 2, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को 5 − 2। तो सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है, अपनी नेक्स्ट रो पे जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 − 1, यहाँ आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखा है 0, उसको माइनस करना है हमें −2 से, यहाँ आ जाएगा 0, उसको माइनस करना है −2 से। अब लास्ट एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है 3, 3 में माइनस किया 3, तो आ गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 − 4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़ा कौन है 4, और 4 के आगे क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा −1, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स लिख दिए, अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, तो 1 + 1 2, और साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, तो ये हो गया −2। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़ा कौन है 3, और 3 के आगे क्या है माइनस का साइन, यहाँ आ गया −1। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिखेंगे, 0, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ आ गया 0, सो हमारी बी माइनस सी की वैल्यू आ गई है। तो देखो फर्स्ट पार्ट हो गया है जहाँ हमसे पूछा गया था ए प्लस बी बी माइनस सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी।
अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 151 20 -1 -321। ये आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, प्लस का साइन लगाया। अब देखो बी माइनस सी, ये जस्ट अभी हमने निकाला है, ये वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं -141 -2 -1 2 0 3 0 इक्वल टू का इक्वल टू। अब देखो हमें नेक्स्ट लिखना है ए प्लस बी, ये अभी हमने जस्ट निकाला है ए प्लस बी, क्या निकाला है ये, तो ये हम यहाँ लिख देंगे 493 12 -1 -174। माइनस सी की वैल्यू लिखनी है हमें, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी 401 13 -2 223। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है, तो ये ऐड हो सकता है। यहाँ मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी 3 × 3 की, ठीक है। ऐड करना आपको पता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, ठीक है। तो देखो 1 में प्लस किया -1, तो हमने 1 में प्लस किया -1। अब नेक्स्ट एलिमेंट 2 में प्लस किया -2, 2 में प्लस किया -2। अब नेक्स्ट एलिमेंट -3 प्लस 0, -3 प्लस 0। अब नेक्स्ट रो पे जाएंगे 5 + 4 9, तो यहाँ आ गया 9। अब नेक्स्ट एलिमेंट 0 + -1, तो यहाँ आ जाएगा 0 + -1। अब नेक्स्ट एलिमेंट 2 + 3, तो आ गया 5। अब नेक्स्ट रो पे जाएंगे 1 + 1 2, यहाँ आ गया 2। अब नेक्स्ट पे जाएंगे -1 + 2, यहाँ लिख देंगे -1 + 2। अब लास्ट एलिमेंट 1 + 0 1, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 - 1, यहाँ पे लिख देंगे 9 2। अब नेक्स्ट कॉलम पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2 - 2। अब देखो नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख देंगे 0 - 1। अब नेक्स्ट माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 में से 1 गया 1। अब साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 2, और 2 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1। प्लस का साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ेंगे -3 + 0 -3, बाकी हम सेम लिख देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो 1 - 1 0, 2 में से 2 गया 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट 0 - 1, तो ये क्या आएगा -1, -3 5 1। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दी है, अब राइट हैंड साइड की निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, माइनस करने से पहले दोनों का ऑर्डर देखते हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है 3 × 3, तो ये पॉसिबल है कि हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, और जो माइनस करेंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा 3 × 3। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है आपको पता ही चल गया होगा अब तक, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना। सो 4 में से 4 गया 0। नेक्स्ट एलिमेंट 1 - 1 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट
-1 में से माइनस करना है 2 को, -1 में से माइनस करना है 2 को। फर्स्ट रो के एलिमेंट कंप्लीट हो गए हैं, अब नेक्स्ट रो, 9 में से 0 गया 9, नेक्स्ट एलिमेंट 2 में से 3 गया, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट 7 में से 2 गया, 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया 5। अब सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट रो 3 में से 1 गया 2, यहाँ आ गया 2। नेक्स्ट एलिमेंट -1 में से माइनस करना है -2 को, -1 में से माइनस करना है -2 को। अब लास्ट एलिमेंट 4 में से 3 गया 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखो पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे 0 9 2, यहाँ पे आ गया 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, ठीक है। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 3, और 3 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, तो ये हो गया -1। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -1 प्लस 2। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, और साइन किसका आएगा माइनस का। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 0 9 2, 0 माइनस 1, देखो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को, माइनस प्लस माइनस, सो 2 में से 1 गया 1, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़ा कौन है 2, और 2 के आगे क्या है प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1, प्लस साइन लगाने की नीड होती नहीं है, -3 5 1। तो देखो राइट हैंड साइड भी आ गया है, क्या दोनों बराबर हैं, तो आप देख सकते हो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, LHS इज इक्वल टू में RHS। सो हमने वेरीफाई कर दिया है दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है सेम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।